to my channel. तो आज का वीडियो होने वाला है एक टॉक थ्रू वीडियो, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ टॉक करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ खास टॉपिक के बारे में, और हमारा जो यूनिक डेज इंडियन यूट्यूब में जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ट्रेंड अभी भी चलने वाला है. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई हैव टू. एनीवेज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट जंप इनटू दिस खास टॉपिक वीडियो. और मैं बहुत स्वेट कर रही हूँ. इट्स रियल. सब कुछ ऑफ है तो मैं स्वेट करूंगी और आप लोगों को डील करना पड़ेगा मेरे स्वेटी फेस से, और मैं थोड़ा सा हैंकी यूज करने वाली हूँ, सो डोंट माइंड. एनीवेज गाइस, तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है फेयरनेस. और गाइस, मैंने 2017 में पहली बार फेयरनेस को लेके एक मीम की तरह वीडियो बनाया था, जो कि तब आप लोगों ने बहुत पसंद किया था. दैट्स वाई मैंने सोचा था कि वो 2017 एंड दिस इज 2019, तो दो साल में कुछ चेंज हो जाएगा और ये ट्रेंड जो है फेयरनेस बनने का, ये कम हो जाएगा, घट जाएगा. मैंने ये सोचा था, बिकॉज हम ये सोचते हैं ना कि हर एक साल जाएगा और हम लोग बहुत यूनिक, बहुत चेंज एंड बहुत लाइक बूम बैंग हो जाएंगे और हमारा थिंकिंग एकदम मतलब ऑन द पॉइंट होगा, हम ऐसे सोचते हैं, राइट? तो मैंने भी ये सोचा था कि मुझे सेकंड टाइम ये वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम भी मैंने बनाया 2018 में. और 2018 में बनाने के बाद मैंने ये सोचा था कि 2019 आने के साथ साथ ये ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन नो गाइज, नो, इट्स नेवर गोइंग टू एंड. सो गाइज, मैं जब टॉक थ्रू वीडियो करती हूँ, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये लड़की इतना बोलती क्यों है. सो गाइज, मैं बोलने वाली हूँ. अगर आपको देखना है तो थैंक यू सो मच, यू आर माई बडीज. और अगर आपको नहीं देखना, यू कैन टर्न इट ऑफ, बिकॉज मेरे यूट्यूब में वैसे भी कोई नहीं देखता. 1 million, 2 million व्यूज मेरे वीडियोज में नहीं आता है, तो क्या आता जाता है, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे, मैं तो बोलूंगी भैया. और गाइज, आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करूंगी, हमारा जो इंडियन यूट्यूबर ब्यूटी गुरुज कम्युनिटीज, DIY कम्युनिटीज है, उनके बारे में. मैंने रिसेंटली देखा, मतलब ये 2-3 महीनों से चल रहा है, काजोल का एक पिक्चर और उसके पास ही दीपिका पादुकोण का एक पिक्चर और उसके साथ एक ऑरेंज जूस पीती हुई लड़की. लाइक मेरा जो आई लाइक कंसीलर है वो बिल्कुल मेल्ट हो रहा है. एंड गाइज, तो वो ऑरेंज जूस पीती हुई लड़की को देख के मैंने सोचा कि अरे वाह, फेयरनेस वीडियो इन ऑरेंज जूस पीने से तो गोरा हो जाता है, ऐसा मैं जानती नहीं थी. तब तो मैं बिल्कुल लाइक विदेशियों की तरह होती. तो गाइज, मैंने क्या किया, मैंने वीडियो को देखा, तब मैंने देखा कि वो ब्रांड प्रमोशन है. लाइक इंडियन यूट्यूबर ब्यूटी गुरुज नीड सम मनी, नीड सम कॉइन, दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग दिस काइंड ऑफ शिट्स. सो गाइज, वीडियो के बीचों बीच एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट मुझे भी मिला है इस ऑरेंज ड्रिंक से. फेयरनेस होने वाली ये ड्रिंक का स्पॉन्सरशिप मुझे भी मिल सकता है, राइट? सो नाइस एंड सो अफोर्डेबल, यू कैन बी फेयर लाइक मी. या एग्जैक्टली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज टैंग. आप देख सकते हो, क्योंकि मैं अपने फ्रंट कैमरा में शूट कर रही हूँ तो आपको उल्टा दिखेगा, बट दिस इज टैंग. और टैंग ने मेरे को प्रमोट किया है, सॉरी स्पॉन्सर्ड किया है, और मेरे फेस में पिंपल भी नहीं है. ओके गाइज, एनी वेज, आई एम फेयर एंड फ्लॉलेस. गाइज, ये वीडियो के बीच स्पॉन्सर्ड था तो मुझे पोस्ट करना था. बाय. बारे में बात करी, उसका 10,000-11,000 फॉलोअर नहीं है मेरे तरह, 1.9 million फॉलोअर, एंड हर वीडियो व्यू इज 2.9 million. Can you imagine how much she is earning right now? Anyways, तो ये सब बोलने की कोई मतलब नहीं है, because you guys really love that kind of shits. You really like fairness videos. तो guys, मैं always positive रहने की कोशिश करती हूँ, even on my Instagram, कि हर एक body color is beautiful. और आप लोग अगर देखोगे, मैं एकदम naturally practical बात करूँगी. आजकल अगर आप देखोगे super model, models on Instagram, आप जिनको देख के inspired होते हो, वो आधे की आधे बिल्कुल डस्की स्किन होता है, एंड डस्की स्किन इज ऑन ट्रेंड. मुझे पता है इंडियन सोसाइटी इज लाइक लड़कियों को गोरा होना चाहिए, लड़कियों को काला होना चाहिए, बट डोंट प्रमोट इट. और गाइज, और एक बात है जो कि मुझे इतना हिपोक्रिट्स लगता है, जिनका मैं वीडियो देखती हूँ वो ऑलवेज डिस्क्लेमर में डालता है, वी आर नॉट प्रमोटिंग लाइक एनी फेयरनेस क्रीम और रेशियल, लाइक रेशियल कोई भी कॉमेंट नहीं करना चाहते हम लोग, किसी के ऊपर रेसिसिज्म कॉमेंट नहीं करना चाहते, बट यू आर रेसिस्ट, ट्रस्ट मी.
अगर आपके पास इतना फॉलोअर होता, अगर मेरे पास इतना फॉलोअर होता, इतना ज्यादा 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर होता, तो मैं पॉजिटिविटी, लाइक थोड़ा सा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती, ताकि आज का जो टीनेज है, मेरे एज की लड़कियां है, वो लोग अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट ला सके, दे थिंक दे आर ब्यूटिफुल टू। मैं ऐसे करती अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मेरे चैनल में आज तक मैंने कोई फेक प्रमोशन नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। बात है कि सच्चाई को कोई नहीं देखता है। देखो आप लोग वही जो फेयर एंडेस वीडियोस आपके लिए यूट्यूबर्स लाते हैं, देखेगा मुझे कोई नहीं। मैं बस पॉजिटिविटी थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहती हूँ कि बी ब्यूटीफुल। मैं जो स्किन केयर की वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, वो आपको ब्यूटीफुल बनाएगा, वो आप जैसे हो बस इन्हेंस करेगा। अगर आपकी स्किन में मेरी तरह पिंपल्स है, आप मेरी तरह स्वेट करते हो, अगर आपकी स्किन में सन टैन है, उस प्रॉब्लम को हटाने में आपको मदद करेगा। बट आई कांट प्रॉमिस, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको फेयर करेगा, वो प्रोडक्ट आपको ब्लैक करेगा, नथिंग लाइक दैट। बट जो लोग ये सब वीडियो करके मिलियन मिलियन डॉलर कमा रहे हैं, लाइक मिलियन डॉलर नहीं, मिलियन व्यूज कमा रहे हैं, थैंक यू बहन जी, सो मच बहन जी। लेकिन आप इतनी मीडियम स्किन टोन कैसे हो, लाइक आप इंडियन स्किन टोन कैसे हो सकते हो? आप तो वो ऑरेंज जूस रेगुलर लाइफ में पीती होगी, तो आप तो बिल्कुल लाइक एंजेलिना जोली काइंड ऑफ गोरा पर्सन हो सकते हो, लाइक कोई भी विदेशी काइंड ऑफ पर्सन गोरा हो सकते हो आप इतना मीडियम डस्क स्किन की वाली क्यों हो? दिस इज माई क्वेश्चन, आंसर मी। आप फेक चीजें अपने YouTube में बस व्यूज के लिए डाल रहे हो, बट वेयर इज योर फेयरनेस, लाइक वेयर इज योर फेयरनेस? आई कांट सी दैट। अगर आप इनका वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं भी गोरा बन जाऊंगी इनके तरह मेकअप लगा के, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे कि वो लोग डस्की के डस्की रह गए। तो दिमाग लगाओ, इन लोगों को ना इतना बढ़ावा मत दो। मैंने सच में सोचा था कि अभी ये ट्रेंड चला जाएगा, बिकॉज दिस इज 2019, वी ऑल टॉक अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी एंड एवरी कलर इज ब्यूटिफुल, समथिंग लाइक दैट ऑलवेज। All the person on my Instagram talking about body positivity, but where is that? अगर मैं ढूंढने जाऊंगी ना, तो YouTube में trend कर रहा है Indian beauty community पे कि fairness video, what is this? Where is the humanity? Like humanity, I can't say it right. अगर आपको समझ में आ गया, thank you so much for that. लेकिन वो कहा है? अगर आप लोग अगर मेरी तरह सही हो, हर काम सही तरीके से करना चाहते हो, तो आपको ग्रो इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो अगर आप मुझे देखते हो यूट्यूब में, तो मैं 3 साल से, अभी 3 साल होने वाला है, जून जुलाई में 3 साल होने वाला है। मैं 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया है यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन मुझे कोई ग्रो नहीं मिला। इसके लिए मुझे दुख होता है, लेकिन आई कांट बी फेक With you, just for views, just for subscriber, I can't be that. Anyways, guys, आज का वीडियो यही था, मैसेज था कि इनको देखना बंद करो, इनको बैन करो इंडिया से। This is my one wish. Please do that. प्लीज़। मैं रेड लिपस्टिक लगा के एक बात बोलने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो में मुझे 200 भी व्यूज नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस मेरा जो मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ ये सब वीडियो को देखना बंद करो, मेरी तरह लोगों को देखो जो मेहनत करते हैं, जो सच बोलते हैं। क्योंकि मैं अगर कोई प्रोडक्ट को, मेरे पास बहुत सारा स्किन केयर का प्रोडक्ट आता है, मैं कभी भी ब्रैग नहीं करती हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे जो पसंद आता है वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शो करती हूँ। लेकिन जो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आता और जिसमें लिखा होता है फेयरनेस, उसके अगेंस्ट मैं बात करती हूँ, और वो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं कभी भी अपने चैनल में नहीं करती हूँ। सो दिस इज माय पॉइंट गाइस, अगर आपको देखना है तो अच्छा वीडियोस देखो, यूट्यूब में बहुत सारा अच्छा वीडियोस है, बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं और आप लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो उनका वीडियोस देखो। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन स्टॉप वॉचिंग दैट काइंड ऑफ फेयरनेस वीडियो, इट विल नेवर एवर वर्क फॉर यू। और मैं कोई भी साइंटिफिक तरीके से आप लोगों के साथ आज बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि जो लोग ये फेयरनेस की वीडियो बनाते हैं, वो लोग ऊपर इतना बड़ा सा डिस्क्लेमर डालते हैं और बहुत सारा साइंस के बारे में बात करते हैं, तो वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा एडुकेटेड है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उनका वीडियो देखना बंद करो। थोड़ा सा साइंस वाइंस खुद भी गूगल में सर्च करके डाल सकते हो, यू कैन फाइंड इट। एनीवेज गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, बाय। आज तो बहुत बोक लिया, हाँ एखन तो अभी बहुत बोके नहीं छी, लोके अमाय मारबे एकटू पड़े, बट स्टिल आई हैव टू क्रॉस दैट 10 मिनट्स लिमिट, बिकॉज आई हैव टू अर्न सम डॉलर।